अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं जो रिव्यू एक्सरसाइज होता है यूनिट हर यूनिट के लास्ट में। तो यूनिट नंबर 5 का जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो, तो सबसे पहले आता है अ पॉलीनोमियल इज कॉल्ड लीनियर इफ इट्स डिग्रीज। इसका आंसर है 1। द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स पावर 8 प्लस 7 इज 8। आंसर है सी। फिर है इन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 2, ए एंड बी बस 2 हो गए। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 3 इज, आंसर इसका क्या है, एक्स ये वाला है डी, ठीक है, ये जो ग्रीन में है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपने इस तरह से सॉल्व करके करना है, तो मैंने सॉल्व करके आप लोगों के लिए छोड़ा है ताकि आपको पता चले कि ये इस तरह से आंसर आया है। फिर है कोटेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 इज एक्स प्लस 1 जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है इसका आंसर। और ये एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, ये कट करके 0, और ये कोटेंट है। ये तो पार्ट्स हमने पिछले कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में सारे डिफाइन किए थे। फिर आता है अ पॉलीनोमियल विद डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 फ्रॉम एक्स पावर 4 प्लस 9 इज एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 6, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व करके फाइंड आउट किया है। इस तरह से सब्ट्रैक्ट किया है तो इस तरह से आंसर आ जाता है। और ये इसलिए आता है क्योंकि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाला कोई नहीं है जिससे वो माइनस हो, इसलिए इस इनके नीचे नहीं लेके जाएंगे और 9 से 3 जाके 6 आएगा। फिर आता है पॉलीनोमियल विद डिग्री 4 इज, अब ये जो पॉलीनोमियल्स है इनमें से कौन सा वाला डिग्री 4 वाला है, तो ऑप्शन ए जिसमें 2x पावर 4 है, तो इसका पूरा पावर हमने पढ़ा है कि किस तरह से डिग्री को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो सबसे बड़ा वेरिएबल का पावर होगा उसी के बेस पे वो पॉलीनोमियल का डिग्री बन जाएगा। फिर हमारे पास आता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, तो हमने ये दोनों ऐड किए, आंसर ये आ गया, ये ट्रू आंसर है। फिर दूसरा जो 3 दाने हैं हमारे पास, इनमें हमने ये कर लिए हैं, लेकिन हमारे पास जो ये वाला है यहाँ पे अगर आप देखें 35 के बाद 90x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे 30x क्यूब वाई है, क्योंकि जो सेम वाले पावर है वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट या ऐड होते, तो यहाँ पे सम करना ऐड करना है, तो सेम पावर वाले को हमने अरेंज कर दिया, जो आप लोगों को पता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना होता है, तो इसलिए अरेंज कर दिया, आंसर आ गया। और ये वाला हमने किया सिंपल, इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आंसर इसका ये है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये आप लोगों को मैं बता दूँ प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन का है, इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए ये बता दूँ। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले ये जो नंबर 2x है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये आंसर आएगा। फिर 7 माइनस 7y है, सबसे मल्टीप्लाई होगा, आंसर ये आएगा। फिर 2 इन सबसे मल्टीप्लाई ये आएगा। अब आप सोच रहे हैं कि पिछले वाले में हम सिर्फ एक पॉइंट छोड़ के बाकी लिखते थे, यहाँ पे क्यों सारा छोड़ के इधर लिखा गया, इसलिए क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे कोई नहीं है, 21y³ यहाँ पे कोई नहीं है, और yz² यहाँ पे कोई नहीं है, तो वेरिएबल का पावर जब सेम नहीं होगा तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इस वजह से यहाँ पे इन सबको अलग कर दिया। सेम ये जो इसका पार्ट 2 है इसमें भी इसी तरह से है कि इनके वेरिएबल्स के पावर जो है वो डिफरेंट हैं जो पहले वाले हैं, तो कोई किसी के नीचे नहीं आ रहा है और यू बड़ा सा आंसर बन रहा है। अच्छा, ये वाला जो आंसर है बुक के नीचे मिसप्रिंट है, गलत है, वहाँ पे जो पीछे लास्ट वाले आंसर्स होते, तो आपने ये नहीं सोचना कि वो जो बुक के पीछे वाला आंसर है वही ट्रू है, नहीं, ये जो मैंने सॉल्व किया है ये ट्रू है, वो उसमें मिसप्रिंट हो गया है। फिर इसका फाइनल जो है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग, तो हमने फाइंड किया, और पहले वाले का है
ये वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। और दूसरे वाले को, अच्छा जो दूसरा है उसको हमने थोड़ा सा, जो हमने डिवीजन के रूल्स पढ़े थे उसमें ये था कि अगर कोई बीच में वेरिएबल मिसिंग हो तो आप उसको जीरो के साथ लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वैसे किया क्योंकि एक्स क्यूब माइनस 19x है, एक्स स्क्वायर वाला कोई नहीं है, तो इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, फिर इसको सॉल्व किया और ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर आया है। और फिर ये वाला डिवाइड, ये जो इसी का पार्ट है यहाँ पे थोड़ा नीचे मैंने लिखा है, तो इस नंबर को हमने डिवाइड करना था जो हमने किया, और क्वेश्चन हमारे पास ये है। रिव्यू एक्सरसाइज में हम बस इतना ही था कि आप लोगों को एक्सप्लेन करना था, तो ये वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे क्योंकि हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं आज ही इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।